अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रोजीज वर्ल्ड में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक न्यू डिश जिसका नाम है भरवा करेले की सब्जी। आई नो फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को करेले बिल्कुल पसंद नहीं होंगे क्योंकि वो खाने में थोड़े कड़वे रहते हैं, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, हमारे आज के इस करेले की रेसिपी बनाने के बाद आप में से बहुत सारे लोग करेले को पसंद करने लगेंगे क्योंकि ये सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है एंड खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। भरवा करेला बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधा किलो के करीब करेला लिया है। हमें इस करेले के ऊपर के परत को छील लेना है। इस दरदरे हिस्से को हमें पील ऑफ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस करेले को किस तरह से छील रहे हैं। हमें पूरा प्लेन इसे बनाना है। सो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा करेला एकदम अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। इसी तरह हमें बाकी करेलों को भी छील लेना है। अब हम सारे करेलों को अच्छी तरीके से पानी में डालकर धो लेते हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने सारे करेलों को अच्छी तरीके से धो लिया। अब इसे हम इसे साइड में रख देंगे। अगले स्टेप में हम करेलों को बीच में से चीर कर उसके अंदर के बीजों को निकाल लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें इसके बीज को बिल्कुल फेंकना नहीं है। हम इसे मसाले में इस्तेमाल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे करेले के बीज को अच्छी तरीके से निकाल लिया है और साफ कर दिया है। इसी तरह बाकी करेले के बीजों को भी निकाल लेंगे और उसके अंदर के हिस्से को साफ कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे करेले स्टफिंग के लिए रेडी है। देखिए, हमारे सारे करेले बिल्कुल अंदर से साफ है और हमने करेले के बीजों को भी अलग कर दिया है। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच सौंफ, 2 से 3 चम्मच मगरेल और 2 से 3 चम्मच खड़ा धनिया। साथ ही में हमने लिया है 2-3 प्याज जिसे हम फटाफट से चॉप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें प्याज को बहुत ही छोटी आकार में काटना है क्योंकि ये स्टफिंग में यूज होगा और स्टफिंग बाहर ना निकले, इसीलिए हमें प्याज को बहुत ही छोटे आकार में काटना पड़ेगा। स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर और हम गैस को ऑन करते हैं और एक फ्राइंग पैन लेते हैं जिसमें हम खड़े मसालों को भूनेंगे। उसके लिए थोड़ी देर हमको फ्राइंग पैन को गर्म करने के लिए रखना है। अगले स्टेप में हम सारे मसालों को इसमें डाल करके रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, हम इन मसालों को रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टफिंग में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। हमने सारे मसालों को अब पैन में डाल दिया है। इसे हल्के हाथों से चलाते रहिए। अब
ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, हमें ज़्यादा देर मसालों को नहीं भूनना है और फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे अगर मसालों को भूनेंगे तो मसाले जल जाएंगे। जैसे ही मसालों की हल्की हल्की खुशबू आने लगे, इसके फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। समझ जाइएगा कि हमारा मसाला भुनकर तैयार है। अब मसालों से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और मसालों का रंग भी बदल चुका है। अब हम गैस को ऑन ऑफ करके मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ ही में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगले स्टेप में हम हल्दी को भून लेंगे। याद रखिएगा, हमें हल्दी को ज़्यादा देर नहीं भूनना है, तकरीबन एक सेकंड में हल्दी भून जाएगी। देखिए, हल्दी का कलर चेंज होने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हल्दी को भी अलग से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे हमने हल्दी को क्यों भुना है। ये इस वजह से क्योंकि हमें स्टफिंग में कच्ची हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे स्टफिंग में हल्दी का कच्चापन आएगा। अगले स्टेप में हम हमारे भुने हुए मसालों को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। भरवा करेले में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसकी स्टफिंग। तो चलिए बनाते हैं उसकी स्टफिंग, जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है प्याज। ग्राइंड किए हुए भुने हुए मसाले, साथ ही में हम करेले से निकाले हुए बीजों को भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद भुनी हुई हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें इसमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इससे करेले के टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हमारा अगला मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने स्टफिंग को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया है, वो है सरसों का तेल। और ये हमारे रेसिपी का सीक्रेट भी है, क्योंकि हम इसे सरसों के तेल में ही मिक्स करेंगे। हम कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसका उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना कि सरसों के तेल में आएगा। हमने तकरीबन 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। अब हाथ की मदद से हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम स्टफिंग को करेलों में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम किस तरह से स्टफिंग को करेले में भर रहे हैं। सबसे पहले करेले को हम कटे हुए हिस्से से स्प्लिट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग हम उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। हम थोड़ा सा भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ेंगे और पूरे स्टफिंग को अच्छी तरीके से करेले के मुंह के अंदर भर देंगे। इसी तरीके से हम बाकी सारे करेलों को भी अच्छी तरीके से स्टफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं, सारे करेले अच्छी तरीके से स्टफ्ड हो चुके हैं और थोड़ा सा स्टफिंग बचा है, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हम इसे मसाले में इस्तेमाल करेंगे। अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं और उसमें ये है कि हमें सारे करेलों को अच्छी तरीके से थ्रेड से बांध देना है, ताकि करेला पकते वक्त स्टफिंग करेले से बाहर ना निकले।
देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छी तरीके से थ्रेड को करेले के चारों तरफ से बांध दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे सारे करेलों को अच्छी तरीके से थ्रेड से बांध दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की ओर और चलाते हैं गैस और उसमें रखते हैं कढ़ाई, जिसमें हम हमारे करेलों के लिए रखेंगे। कढ़ाई अब हल्की हल्की गर्म हो चुकी है। इसमें हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करेंगे, किसी और तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हमारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। हमें तेल गर्म होने का वेट नहीं करना है और धीरे धीरे सारे करेलों को आप इस तेल में डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने करेलों को बिल्कुल ओवरलैप नहीं रखा है, सबको अलग अलग करके रखा हुआ है, ताकि करेले एक एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाए। हम इसमें थोड़ा और सरसों का तेल ऊपर से ऐड कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें करेला पकाने के लिए सरसों का तेल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और करेला पकने का सीक्रेट भी है। अब बचे हुए जो स्टफिंग है उसको हम ऊपर से करेले के साथ डाल देंगे। हमें करेले को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है और एक साइड से इसे पकने देना है। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम स्लो रहे और स्लो फ्लेम में ही करेला पके। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद हम देख सकते हैं हमारा करेले का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। हमें इसे हल्के हल्के हाथों से घुमाते रहना है और इसका पोजीशन चेंज करना है, ताकि करेला सभी साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें पूरा करेला लो फ्लेम में ही पकाना है। हाई फ्लेम में अगर हम करेले को पकाने की कोशिश करेंगे तो करेला जल जाएगा। करेला थोड़ा पक चुका है, लेकिन हमें और थोड़ा करेले को पकाने की ज़रूरत है। हमने सारे करेलों को अच्छी तरीके से पोजीशन चेंज कर दिया है और 5 से 10 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं करेले ने बहुत अच्छी तरीके से अपना कलर चेंज कर दिया है और बहुत अच्छी तरीके से ये पक भी गया है। लेकिन हमें थोड़ी देर और इसका पकने का इंतज़ार करना है। सो फाइनली 15 से 20 मिनट के बाद हमारा करेला बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा भरवा करेला बनकर बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपका करेले की तरफ नज़रिया बदला या नहीं। आशा करती हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।